नमस्कार दोस्तों, और आज हम हाजिर होते हैं आपके लिए एक शानदार करंट अफेयर्स के साथ। हमारी उम्मीद है कि करंट अफेयर्स के थ्रू आपको कोई भी जो सूचना है वो न छोड़ी जाए, ठीक है ना, और एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट किया जाए। तो आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को किस राज्य में महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ये 13 सितंबर नहीं होगा, ये 14 सितंबर होगा। क्या होगा? 14 सितंबर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। 14 सितंबर होगा, ये क्या होगा? 14 सितंबर होगा। तो पहला है इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरा है इसमें ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो आपको इसका आंसर बताना है। मेरी तरफ से जो आंसर होगा बच्चों इसका, वो उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है ना। हम ये जो फोटो देख रहे हैं, बच्चों ये हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को जो शिलान्यास रखा है, ठीक है ना, जो शिलान्यास रखा है उसकी जो जमीन थी वो किसने दी है? राजा महेंद्र प्रताप ने दिया। ये नरेंद्र मोदी हैं जो आप देख ही रहे हैं इनको, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना, कुछ फैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो 13 सितंबर लिख रहा है इसे कितना करना है? 14 सितंबर करना है, ठीक है ना। तो ये लिख रहा है नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जिला है ये यूपी का अलीगढ़, ठीक है ना, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है ना। तो महेंद्र प्रताप सिंह ने क्या राज्य विश्वविद्यालय के लिए एक आधारशिला रखी है? किसने? नरेंद्र मोदी ने रखी है। कहां रखी है? अलीगढ़ में रखी है। अब दूसरा इसमें याद हमें यूपी के बारे में जो इंफॉर्मेशन रखनी है वो ये रखनी है, हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक स्पोर्ट स्टेडियम की घोषणा की है, वो किसके नाम पर की है? तो आपका जवाब होना चाहिए हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, है ना, और इन्हीं के नाम पर उस स्टेडियम जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा गया है ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके बाद यूपी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है आपको, पूछा जाएगा हाल ही में गोरखपुर को GI टैग दिया गया है। गोरखपुर जो है बाबा जो योगीनाथ हैं उनकी सांसद वाली सीट थी, ठीक है ना, तो पूछ लेगा गोरखपुर को GI टैग किसके लिए मिला है? तो टेराकोटा के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? टेराकोटा के लिए मिला है। और पूछ लेगा आपसे रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र कहाँ है? कौन सा? रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र। तो इसका आंसर होगा बाराबंकी होगा, ठीक है ना। उसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है पीलीभीत नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। कौन सा? पीलीभीत नेशनल पार्क। इसका फोटो भी आप देख रहे होंगे, देखो ये पीलीभीत नेशनल पार्क का क्या है फोटो है, ये है पीलीभीत नेशनल पार्क, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा कि हाल में उत्तर प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को ओलंपिक 2032 तक क्या लिया है? गोद लिया है। पूछ लेगा किस राज्य ने ओलंपिक 2032 तक कुश्ती को गोद लिया है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो देखो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, फैक्ट छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर कर पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला है उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है ना, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है ना, पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये नाम आता है सुचेता कृपलानी। आप फोटो भी देख रहे होंगे, ये साइड में जो फोटो है किसका है? सुचेता कृपलानी का। अब पूछ लिया जाएगा यूपी की पहली महिला राज्यपाल, तो ये कौन है? ये सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये तिरंगा में जो फोटो है ये किसका है? सरोजिनी नायडू का है, ठीक है ना। और पूछ लेगा आपसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में। कौन सा एयरपोर्ट है? जेवर एयरपोर्ट, ठीक है ना, टप्पल के पास पड़ता है जेवर एयरपोर्ट। अब पूछ लेगा कीथम झील जो है रामसर साइट में है, ये कहाँ पे है? तो कीथम झील है जिसे रामसर साइट में रखा गया है, रामसर कन्वेंशन के तहत जो साइट है उनको संरक्षण मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये आगरा में है कीथम झील, ठीक है ना। तो रामसर साइट कब लॉन्च की गई थी? 2 फरवरी 1971 में रामसर जो संधि है उसे लागू किया गया था ऑल ओवर विश्व पर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ आगरा की जो कीथम झील है इसे रामसर साइट में रखा गया। तो पूछ लेगा यूपी की रामसर साइट कौन सी है? तो कीथम झील है, ठीक है ना। अब पूछ लेगा ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था? ई पंचायत पुरस्कार, तो ये ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था, ठीक है ना। किसको दिया गया था? उत्तर प्रदेश को दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आप फोटो देख रहे होंगे, सबको जानता है इनको, बाबा योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना।
ये नाथ संप्रदाय से हैं। कौन से संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय के महंत हैं, ठीक है ना, के महंत हैं, ठीक है ना। राजधानी यूपी की कौन सी है? सबको जानता है, लखनऊ, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। राज्यपाल हैं इसकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की हैं, ठीक है ना। तो यूपी की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये आप जो फोटो देख रहे हो, ये श्रीमती आनंदीबेन कौन हैं? पटेल हैं। तो ये फोटो से भी आपको बेहद अच्छे तरीके से याद होगा। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। कितनी है? 80। यूपी में लोकसभा सीट कितनी है? 80। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। तो पूछ लेगा सर्वाधिक किस राज्य में लोकसभा सीट है, तो यूपी में ही है। सर्वाधिक किस राज्य में राज्यसभा सीटें हैं, वो भी उसका ही आंसर क्या होगा? यूपी ही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। पूछ लेगा किस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है, तो इसका भी आंसर यूपी में ही होगा। 403 सीट यूपी में है। कितनी है? 430 विधानसभा सीट है। अब इसके कुछ नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? इसके कुछ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ हम कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो दुधवा नेशनल पार्क ये किसका है? यूपी का है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी का है, ठीक है ना। और हस्तनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ का है? यूपी का है। और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है ना। कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जो सब लोग फोटो देख के ही पहचान लेंगे। ये आगरा का किला यूपी का ऐतिहासिक स्थल, देखो इसे भी पहचान लोगे। ताजमहल जैसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। और देखो ये आप इसे भी पहचान लोगे, ये फतेहपुर सीकरी में है जो अकबर ने बनवाया था। क्या है ये? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में इसे बनवाया था। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष में, इतना याद रखना। किसमें? गुजरात विजय के उपलक्ष में इसे बनवाया था। अब उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी नदियां होकर के जाती हैं? तो देखो यूपी से गंगा नदी भी होकर के जाती है, यूपी से यमुना नदी भी होकर जाती है। और इलाहाबाद में गंगा और यमुना का क्या है? संगम है, जहाँ गंगा और यमुना सरस्वती मिलती हैं, ठीक है ना। उसके बाद राम गंगा भी यूपी में है। गोमती यूपी के लखनऊ के पास से गुजरती है, ठीक है ना। और बेतवा भी यूपी से निकलती है और गंडक भी यूपी से होकर के जाती है। ये यूपी की क्या है? कुछ नदियाँ हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या हो गई? इन्फॉर्मेशन हो गई। तो क्वेश्चन था हमारा कि जो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय जो बनाया गया है, तो ये क्या किया गया? 400 के लगभग आगरा यूनिवर्सिटी से, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उससे 400 के करीब विश्वविद्यालयों को काट करके किसको दिए जाएंगे? महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय को दिए जाएंगे, जिसकी नींव कहाँ पर रखी गई है? अलीगढ़ में रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल हवा से कार्बन निकलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हाल में कहाँ शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन कह रहा है इसका आइसलैंड, दूसरा कह रहा है ग्रीनलैंड, तीसरा कह रहा है अलास्का और फोर्थ कह रहा है रूस। तो देखो पावर प्लांट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पावर प्लांट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए, आइसलैंड में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवा से जो कार्बन निकलता है उसको कैप्चर करने का प्लांट आर्का में, उस प्लांट का नाम है आर्का। ये कहाँ पे है? आइसलैंड में। आइसलैंड में है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी हम पढ़ लेते हैं। तो ये जानकारी है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, को हवा से निकालकर अलग की गई जो कार्बन है उसको पानी के साथ कहाँ पे ले जाएगा? ये इसे पंप कर देगा, अंडरग्राउंड पंप। क्या कर देगा? अंडरग्राउंड पंप। जो भी हवा में कार्बन कैप्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे निकालेगा और पानी के थ्रू पंप कर दिया जाएगा उसे, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि ये फिर इसका क्या होगा कि ये चट्टान बन जाएंगी, ये जो कार्बन है इसकी क्या बन जाएंगी? रॉक्स बन जाएंगी। तो पॉल्यूशन बचेगा और उसकी चट्टान भी बन जाएगी, ठीक है ना। अब बोलेगा फिर इस चट्टानों का क्या काम करेगा? तो ये अच्छे ऊर्जा के जरिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है ना, तो इसका काम जो है अच्छे ऊर्जा के जरिए किया जाएगा। और इस संयंत्र का नाम क्या है? तो याद रखोगे आर्का। क्या नाम है? जो भी हमने फोटो दिखाया था आर्का, इस नाम को याद रखना, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि इस प्लांट के माध्यम से, इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिवर्ष 4000 टन, ये काफी हो गया, प्रतिवर्ष 4000 टन जो CO2 है उसे सोख लिया जाएगा। किससे? हवा से सोख लिया जाएगा। अब आइसलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइसलैंड कहां पड़ता है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना, महासागर
सागर में, ये ग्रीनलैंड से नीचे पड़ता है, यूरोप का कंट्री है, ये किसका कंट्री है, यूरोप उपमहाद्वीप का कंट्री है, किसका है, यूरोप उपमहाद्वीप का देश है, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है, तो रिकजेविक, इसकी राजधानी क्या है, रिकजेविक। मुद्रा क्या है इसकी, तो मुद्रा है इसकी आइसलैंडिक क्रोना, याद रखना मुद्रा क्या है, ये आइसलैंड जो लिख रहा है यहाँ, आइसलैंडिक क्रोना करना है आपको, तो मुद्रा इसकी आइसलैंडिक क्रोना है, ठीक है ना। ये किसका द्वीप है, मैंने बता ही दिया, यूरोप का महाद्वीप है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब बहुत कम पॉल्यूशन पाया जाता है, महिला समानता बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी अच्छी चलती है यहाँ पे, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी समृद्ध कंट्री है आइसलैंड, ठीक है ना। तो ग्रीनलैंड, इसमें ग्रीनलैंड जो है उसकी राजधानी क्या है, नुक, क्या राजधानी है, नुक, नुक जो लिख रहा है ये नहीं, नुक होगी, ठीक है ना। तो इसका पहला कार्बन वॉच ऐप, जो इंडिया ने अपना पहला कार्बन वॉच ऐप जो लॉन्च किया वो कहाँ पे किया है, चंडीगढ़ में किया है, कहाँ पे किया है, चंडीगढ़ में किया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखोगे। इसके साथ ही जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चियों, वो है एशियाई ओलंपिक का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, कार्यवाहक बनाया गया है, ठीक है ना, कार्यकारी अध्यक्ष किसका, एशियाई ओलंपिक संघ का, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मोहन सिंह, दूसरा कह रहा है रणवीर सिंह, तीसरा कह रहा है मोहन त्रिपाठी, फोर्थ कह रहा है अनमोल त्रिपाठी। ये जो दोस्तों आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये सरदार जी, इनका नाम है रणधीर सिंह। तो हाल में रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक संघ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। ये चीज क्या रखोगे आप, याद रखोगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जो रणधीर सिंह जो हैं, वो 5 बार ओलंपियन निशानेबाज रहे हैं, रणधीर, ठीक है ना, क्या है ये, 5 बार एशियन ओलंपिक निशानेबाज रहे हैं, ठीक है ना। इस समय जो है ये ओसीए जो है, ओसीए के मानद आजीवन कौन है, आजीवन तक ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। और ये बोल रहे हैं कि 1991 से 2015 तक, मतलब 24 साल तक ये ओसीओ के महासचिव भी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने ओसीए में, ठीक है ना, रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है वो कि 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के क्या रहे हैं, ये महासचिव भी रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वो एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, कुवैत, कहाँ है, कुवैत, कुवैत भारत की खाड़ी का एक देश है, ठीक है ना। और पूछ लेगा प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, और ये हुआ कहाँ था, ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। और पूछ रहा है एशियाई जो 18वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये जकार्ता में किया गया था, ठीक है ना, कहाँ किया गया था, जकार्ता कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है ना। और जकार्ता के ये जो बाग लग गया, ये गलत लग गया, ये पालम बाग है, क्या है, पालम बाग, ये पालम बाग में हुआ था, कब हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है ना, 18वां। अब 19वां जो खेल का आयोजन 2022 में किया जाएगा, ये किया जाएगा चीन के हांगझोऊ में, किसमें, हांगझोऊ में, किसमें, हांगझोऊ में, हांगझोऊ में किया जाएगा। ये कहां पड़ता है, ये चीन में पड़ता है। अब नेक्स्ट फैक्ट है इसमें कि भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक प्रधान समिति के सचिव कौन है, तो ये राजीव मेहता हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, कमेटी का, तो ये लुसान नहीं है, ये ल्यूशाने है, ल्यूशाने, ल्यूशाने में क्या है, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है उसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, हाल ही में अमेरिका ने किस वायरस के मामले में, किस वायरस के मामले मिलने के कारण अफगान, ये अगान नहीं है, ये अफगान है, अफगानों को निकलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मतलब कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से अफगान जो है जो बाहर निकल रहे थे, जिस पर जो अमेरिका है उसने क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। तो पहला कह रहा है वो चेचक,
दूसरा कह रहा है वो हेपेटाइटिस, तीसरा कह रहा है पोलियो, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चौथा क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए चेचक। ध्यान रखना, हाल ही में अफगानिस्तान में लोगों में चेचक फैल गया है, इस वजह से अमेरिका ने उन्हें रोकने का उन पर रोक लगा दिया कि भाई तुम अभी अमेरिका से बाहर, सॉरी अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है, ध्यान रखना, तो नागालैंड, पंजाब, गुजरात या सिक्किम का। तो ध्यान रखना, ये असम के तो हैं ही अभी जगदीश मुखी, इसके साथ साथ इनको नागालैंड का कार्यभार भी दे दिया है। ये फोटो किसका लग रहा है? ये जगदीश मुखी है, ध्यान रखना। अब ये नागालैंड के राज्यपाल थे वो तमिलनाडु में चले गए हैं। कहाँ चले गए? उनको तमिलनाडु का बना दिया गया है। कहाँ का बना दिया है? जो पहले नागालैंड में थे उनको कहाँ का बना दिया है? तमिलनाडु का बना दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा नागालैंड, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान की लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुने जाने की सर्वश्रेष्ठ रैंक आई है। मेरा कहने का मतलब, उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में चुना गया है, जिसका पहला जो ऑप्शन है वो है दोस्तों आईआईटी दिल्ली, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आईआईटी कानपुर, ये आईआईटी दिल्ली है और ये आईआईटी कानपुर है और ये आईआईटी मद्रास है और ये आईआईटी खड़गपुर है। तो देखो फोटो से भी आप देख रहे होंगे, इसका जो आंसर है जल्दी से बताइए आप क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। तो कौन देता है, किस रैंक में शीर्ष स्थान मिला है? तो NIRF 2021 में, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में, ठीक है ना, NIRF 2021 में IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर कौन आया है? तो दूसरे स्थान पर इसमें बेंगलुरु आया है, नहीं, IIT बेंगलुरु और IIT बॉम्बे, IIT बेंगलुरु को, IIT जो बेंगलुरु है उसको दूसरा स्थान मिला है और जो IIT बॉम्बे है उसे तीसरा स्थान मिला है। ध्यान रखना, IIT संघाई संयुक्त संगठन, मतलब एस, तो कहाँ आयोजन
किया जापान में किया गया है। तो दोस्तों हाल में ये जो अभ्यास है वो कहाँ चल रहा है, वो रसिया में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, रसिया रूस में चल रहा है, ठीक है ना। और जो एससीओ के 8 सदस्य हैं, एससीओ में कुल कितने सदस्य हैं, एससीओ में 8 सदस्य हैं। कितने हैं, एससीओ में 8 सदस्य हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये 14वां संयुक्त अभ्यास है, ठीक है ना। तो इसमें एससीओ के सभी 8 देश जो है उसके लगभग 4000 सैनिक क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। कब से कब तक चलेगा ये, तो ये 11 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक चलेगा। आप याद रखना ये कब से कब तक चलेगा, 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा। और इसके साथ ही जो एक और इंफॉर्मेशन है, आज 14 सितंबर है, ध्यान रखना क्या है, 14 सितंबर है। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी दिवस के बारे में क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है ना। हिंदी हमारे यहाँ की क्या है, राजभाषा है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये बताना है कि हमारी करंट अफेयर कैसी लगी, इसमें कोई कमी हो तो बताइए, और अभी सुधार की आवश्यकता हो तो हमें बताइए, इसमें सुधार करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।